जनपद हरिद्वार में भारत विकास परिषद की देवभूमि शाखा की ओर से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रांतीय अध्यक्ष निशा अग्रवाल ने बताया कि हमारा संगठन लगातार जनहित में कार्य करता रहता है। इसके साथ ही हमारा संगठन देश की मुख्य धारा से लगातार जुड़ता रहा है। इसी दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगा सभा के अध्यक्ष नितिन गौतम ने बताया कि यह संगठन लगातार अच्छा कार्य कर रहा है, इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आजकल तीर्थ नगरी हरिद्वार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और हर की पौड़ी क्षेत्र में मर्यादा को लांघ रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप हरिद्वार आए लेकिन मर्यादा के साथ ही माँ गंगा में स्नान कीजिए, जिससे कि इस तीर्थ नगरी में आपको देव दोष ना लगे, क्योंकि आपकी मर्यादा लांघने से कहीं ना कहीं देवता भी नाराज हो जाते हैं। हरिद्वार से नरेश तोमर की खास रिपोर्ट। पीछे भी मैंने सभी अपने यहाँ के आने वाले श्रद्धालुओं से आग्रह किया था, विनम्र निवेदन किया था कि हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में जब आए तो मर्यादित वस्त्र व्यवहार करें, मर्यादा में रहें और हरिद्वार क्योंकि एक तीर्थ है, तीर्थ की मर्यादा को भंग ना हो ऐसा हम कार्य करें, क्योंकि जब तीर्थ की मर्यादा भंग होती है तो देव नाराज होते हैं और देवताओं की नाराजगी इस समाज को, इस राष्ट्र को झेलनी पड़ेगी। इसीलिए हम तीर्थ की मर्यादा का ध्यान रखें और हम तीर्थ की मर्यादा बनाए रखें। आज भारत विकास परिषद का देव संस्कृति का अधिष्ठापन समारोह था। भारत विकास परिषद मूलतः सेवाभावी का एक गैर राजनीतिक संगठन है जिसके मूल में सेवा है। सेवा ये एक ऐसा संगठन है जिसमें मतलब एक कल्पना की गई कि जो सेवा मेनली पैसे से होती है, तो इसमें एक ऐसे समूह को एकत्रित किया गया जिसमें हम पैसे से ऐसे लोगों तक पहुंचे जहां पे हमें राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी चीजों को ऊपर उठा पाए, एक ऐसे व्यक्ति तक पहुंच सके जहां पे उजाले की जरूरत है, ऐसा इस भारत विकास परिषद का मूल मंत्र है।